NCSL और नीपा न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वधान में SLA एवं SCERT प्रस्तुत करता है GMS रतौली बेगूसराय। काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आधारभूत संरचना बिल्कुल ही ध्वस्त थी और शिक्षकों की सिर्फ नौकरी बजाने की दिनचर्या, ये सब वो कारक थे जब समझ में नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करूं। इनिशिएटिव लिया और खुद के अंदर ये विश्वास जगाना, बच्चों को साथ किया और वही बच्चे थे उस वक्त मेरी जमा पूंजी जिनके उंगलियाँ पकड़ करके विद्यालय को खड़ा किया जा सकता था। और सच पूछा जाए तो बच्चे बहुत मूक थे, कुछ बोलते नहीं थे और बच्चों की मूक पड़ी अभिव्यक्ति को नया स्वर प्रदान करने के लिए एक नाट्य कार्यशाला के आयोजन से इस विद्यालय की शुरुआत हुई। विज्ञान के प्रयोगशाला में बारीकी से पढ़ाते शिक्षक किया गया है अलग अलग ऊंचाई पर और इसमें हम लोग पानी डालेंगे और देखते हैं कि पानी कैसे गहराई से दबाव डालती है। स्कूल का एक कोना बाल मन सुविचारों पर भी केंद्रित है जिसमें बच्चे अपने मन की बात लिखते हैं। बहुत सारी चीजों को देखेंगे, यहाँ पे कहानियाँ है, शिक्षक की संदेश है, संस्मरणीय। जब मैं स्कूल में नामांकन के लिए आई तो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय ने मुझे किताब पढ़ने दिया तो मैं किताब नहीं पढ़ पाई। यहाँ के शिक्षक प्रयोग के द्वारा भौतिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाते हैं। इस स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ बच्चा दरबार लगाकर बच्चों की समस्या पूछी जाती है और साथ ही साथ उस पर उनके परिजनों के साथ चर्चा की जाती है। उनकी घरेलू समस्याएं क्या हैं? क्या वो अपने घरेलू समस्याओं के कारण, अपनी सामाजिक समस्याओं के कारण, अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण वो शिक्षा में उनको बाधा पहुँच रही है? हमें आप कोचिंग जाते हैं और 9 बजे घर जाते हैं, इसलिए विद्यालय विलंब से आता है। ट्यूशन पढ़ने की कोई खास जरूरत है? इतने सारे योग्य टीचर हैं, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, साथ हैं।
मैं जब पढ़ने के लिए बैठता हूँ तब लाइट कट जाता है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता। शाम में लाइट कट जाती है, घर में तो रोशनी की और कोई व्यवस्था नहीं है। एक तो आता है LED बल्ब आता है जो बैटरी चार्ज। यहाँ एक छोटी प्यारी सी लाइब्रेरी भी है। स्कूल की छुट्टी के वक्त यहाँ के शिक्षक संघ प्रधानाचार्य भी बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए उन्हें विदा करते हैं। शिक्षा हमें पंख देती है जो हमें ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता देता है। मैं समझता हूं कि विद्यालय यह प्रतिष्ठा का, सामाजिक प्रतिष्ठा का केंद्र बनेगा और विद्यालय आगे बढ़ेगा।